देवसर में पंचायत सचिव और आरक्षक के बीच का विवाद अब बढ़ता जा रहा है। इस मामले में पुलिस प्रक्रिया के खिलाफ पंचायत सचिव संगठन लामबंद हो गया है और उसने कई जगह ज्ञापन देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। इस मामले का हल नहीं निकलने पर पंचायत सचिव संगठन आंदोलन करने के मूड में है। सिंगरौली जिले के देवसर में आरक्षक और पंचायत सचिव के बीच का विवाद थमने के बजाय बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के बैनर तले पंचायत सचिवों ने अपने प्रदेश संगठन मंत्री के हाथों जिला कलेक्टर आर मीना और जिला पंचायत सीईओ साकेत मालवीय और पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह को इस मामले पर ज्ञापन सौंपा और इंसाफ दिलाए जाने की मांग की है। पिछले दिनों जियावन में कोविड चेकपोस्ट पर आरक्षक और सचिव के बीच हुए विवाद मामले में पुलिस द्वारा अपनाई प्रक्रिया के खिलाफ पंचायत सचिव लामबंद हो गए हैं। अपने ज्ञापन में सचिव संघ ने विवादित पुलिस कर्मी का निलंबन कर मामले की समुचित जांच कराए जाने की मांग की है और मांग पूरी ना होने पर काम बंद कर आंदोलन कर जाने की चेतावनी भी दी है। इसमें करीब 4-5 दिन पुरानी घटना है। कोविड की रोकथाम को लेकर के देवसर थाना क्षेत्र में जो बैरियर बनाया गया था वहाँ पर जो सचिव थे जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी उनके विरुद्ध शिकायत आई थी थाने में कि उनके द्वारा जो है लोगों से गाड़ियाँ रोक करके अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और गाली गलौज की जा रही है। इस शिकायत पर जो है थाना प्रभारी ने थाने का स्टाफ भेजा था, वहाँ जा कर के उनका विवाद हुआ और उनके साथ में गाली गलौज मारपीट वगैरह हुई थी जिसमें देवसर थाने में शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट का प्रकरण यह मुकदमा वापस लिया जाए और दोषी पुलिसकर्मी को यहाँ से अन्यत्र हटाकर या लाइन अटैच कर उसके बाद जांच कराई जाए और जो उचित हो वो कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, चाहे जो दोषी हो। अन्यथा मैं 10 दिवस के बाद होली पीरियड को देखते हुए 10 दिवस के बाद धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।